यहीं काटूंगा अभी। हुआ क्या है? अरे गालियां स्टार्ट हो गई यार। वो भी तो कुछ कुछ बोले आ रहा है। वो प्रॉपर बादल में नजर आ रहा है, वो बादल में ही है, वहीं से तो आ रही है। देखो ये ट्रैवल करके आ रहे हैं ना, बादल में नजर आएंगे लोगों को। बादल ही तो मूव कर रहे हैं हमारे ऊपर से। ये बीच में दो तीन ऐसी चीजें आ गई ना, बस बादल फट ना जाए वरना हमारी फट जाएगी। हाँ ये देखो वहां से पूरे भाई, क्या लोकेशन है भैया, मजेदार। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार अब निकल गए हम माउंट आबू के लिए और बहुत हालत खराब है भाई। अगर मैं होटल्स की बात करूं, सब कुछ सोल्ड आउट है। ये वीकेंड पे तो पता नहीं क्या हो गया लोगों को। मतलब हमें लोकल से पता चला है कि अहमदाबाद गुजरात साइड से मेजॉरिटी वाले लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना ट्रैवल करने उदयपुर में। तो उदयपुर से अब हम निकल रहे हैं माउंट आबू, बट माउंट आबू भी पैक्ड है इस टाइम पे। वहीं जाके एक्सप्लोर करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ढूंढा था अपने लिए ना सेकेंड डे का होटल, ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, घूमने आए हैं, एक्सप्लोर करने ही आए हैं, तो वो सब करते हैं और निकल रहे हैं बस अब यार। पहुँचते हैं जल्दी से माउंट आबू। 2-2.5 घंटे का हमें दिखा रहा है सफ़र, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा एक्चुअल में। और मौसम बड़ा सही हो रहा है भाई, क्लाउडी हो रहा है पूरा। तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं आज माउंट आबू के रास्ते के, और मिलते हैं सीधा टाइम लैप्स में। गाइस फाइनली ये आ गए माउंट आबू के पहाड़। बिल्कुल मनाली वाली फील दे रहे हैं यार, बट ये ज़्यादा ग्रीन है कंपैरेटिवली। क्यों भैया, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ग्रीन? हाँ भी नहीं, देखो अभी तो थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी बारिश का था। आप देखो बहुत ही सीनिक रास्ता है, और यार ये देखो कितना बढ़िया लोकेशन है, कितनी सीनिक है। दोनों तरफ से पहाड़ कटे हुए हैं और सीधा पहाड़ का व्यू है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि मॉनसून सीजन है, तो बिल्कुल ग्रीन है इसलिए सारे पहाड़ दूर दूर तक। बाकी रोड अभी तक की तो बहुत बढ़िया मिली हमें। लड़ाई हो गई यहाँ पे, आप मत जाओ, आप अरे कुछ कर नहीं रहा मैं। आप बैठे रहो ना, आपको आपके पड़ जाएगा एक आधा और हाथ वैसे हुआ है। क्यों पड़ेगा? हाथ लगाओगे भैया, मैं बता दो पट देगा एकदम से। टोल के पीछे शायद लड़ाई हो गई है। हाँ। देखो औरतें खींच रही है वैसे ही उसे। अरे वो चुप ही नहीं हो रहा ना, मुझे कोई आपके जैसे ही है कोई, उनका बंदा चुप नहीं हो रहा ना, उनका कोई बंदा शायद ड्राइवर गुजराती में लड़ रहा है। यही काटूंगा अभी। क्या हुआ क्या है? अरे गालियां स्टार्ट हो गई यार। वो भी तो कुछ कुछ बोले आ रहे हैं। वाइफ को बोल दिया कुछ।
यार ये वही वाला है, वो पिक्चर देखी आपने हंगामा, हाथ लगा के दिखा, तू हाथ लगा के दिखा, तू हाथ लगा, तू हाथ लगा, यही हो रहा है। सब आ गए तमाशा देखने, देखो निकल गए गाड़ियां छोड़ के अपनी। क्या हो गया, फिर निकल जाएगा। अरे जाओ, अरे वो कोई वो भी नहीं, चुप चुप कर रही है यार। अरे बोल रहे होंगे वो, उसकी वाइफ उस तो गाड़ी तो नहीं चला रही ना, वो उनको चुप करा रही है, बिठा रही है। ये बैक ना ले ले बस, वरना फिर मेरे से सुनेगा अभी, सीधा ही जाए। अरे फिर उतर गया। अरे 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 क्या नोटिंग की हो रही है, क्या नोटिंग की हो रही है, ना तो एक भी पड़ा किसी के, अबे यार ना तो किसी के लगा, क्या खड़ा हो गया वो पागल, ना तो चाटे वाटे हुए, ना कुछ हुआ, फिर उतर गया। अबे यार, अबे वो सूखा सा है, मार खा लेगा वो, छत्तर खा लेगा वो, ना तो उतर रहे हैं, ना तो आगे बढ़ा रहा है गाड़ी, भगा के ले गया बस। तो भाई हो गई एंट्री हमारी माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे हम अपनी कार से जा रहे हैं। मुझे लग नहीं रहे वो प्रॉपर वाली सेंचुरी के आगे से होगा यहाँ पे कुछ, जाने का ना जो अपनी गाड़ी से ले जाते हैं, लेफ्ट पे यूज़ आ रहा है। अरे लेपर्ड बना हुआ है, लेपर्ड भी मिल सकता है हमें यहाँ पे रस्ते पे, जैसे उत्तराखंड में मिल जाते हैं ना रस्ते पे ही, ऋषिकेश वगैरह में रस्ते पे आ जाते हैं, रोड पे आके बैठ जाते हैं, बहुत ही कॉमन है। पर यार पूरा ग्रीन ये हो गया है मानसून में, इतना ग्रीन होता नहीं होगा ये। ब्लैक लिस्टेड का लिखा हुआ है। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए माउंट आबू, ये रहा बोर्ड। क्या अंधेरे में क्या कर रहे हो सेल्फी, अब कहां जाना है हमें सीधा, और यहां पे विजिबिलिटी बहुत ही ज्यादा लो है, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल बादलों में हम अभी, और अभी ट्रैफिक खुला है, स्टॉल की वजह से बहुत ज्यादा जाम था यार, पीछे 45 मिनट जाम में थे, 4 घंटे उसके लिए बस, कितना था 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो भाई बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, वीकेंड पे तो कभी भी मत आना वरना परेशान हो जाओगे, और अभी अगर ऐसा मौसम पसंद है तो ही आना वरना मत आना, इतना ज्यादा क्लाउडी, क्योंकि आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, व्यूज वगैरह इतने कुछ मिलेंगे नहीं, विजिबिलिटी वैसी बहुत लो है, बट हाँ अब हमें तो पसंद है भाई, हमें तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडी हो रही है क्योंकि। भैया ये रहा होटल, और अभी हमें यार होटल भी सर्च करना है, जहाँ हम गए तो हमें पसंद नहीं आया, देखेंगे यहाँ पे होटल वाले सारे होटल बुक। हाँ भाई पहुँच गए माउंट आबू, और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड, ये देखो बड़ा ही अच्छा वेदर हो रहा है भैया, अच्छी वाली ठंड है, मज़ा आ गया। मतलब इतना आपको दिखेगा नहीं माउंटेन्स का व्यू, बट भाई जो लग रहा है ना पूरा, मतलब ये बादल ही हैं पूरे, मानसून का सीज़न है, इतनी बढ़िया हवा, ओहो अच्छी ठंड है, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लोगों ने बोला था बहुत गर्मी होती है, तो उसके मुकाबले तो भाई बहुत अच्छा है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, बस अब निकलते हैं आगे, हमने एक और होटल देखा है वो वाला एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यार होटल्स यहाँ पे ना फुली बुकड है पूरे वीकेंड के लिए, जो 11-15 अगस्त वाला वीकेंड था ना लॉन्ग वीकेंड, इसमें बुकिंग फुल है, मतलब उदयपुर में भी फुल है, माउंट आबू भी फुल है, रश आप देख सकते हो कितने लोग निकल भी चुके हैं, बट स्टिल बहुत ट्रैफिक है। और ये वाला होटल अभी हमने देखा था भाई, होटल के रेट्स ना नेक्स्ट लेवल हो गए, ये होटल हमें एक स्वीट रूम दे रहा है 11,600 समथिंग में, अब हमें आगे मिला है एक ना वो 10,000 में पड़ जाएंगे हमें 2 रूम्स, तो उन्हें हम देखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, वीकेंड में तो बिल्कुल मत आना भाई, रेट्स ना
आसमान को छू रहे हैं यहाँ पे, उदयपुर में भी और माउंट आबू में तो भाई। चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं भाई, आगे देखते हैं, क्योंकि स्टे करके सामान रख के फिर ही देखते हैं, कुछ घूमने का प्लान बनाते हैं। चलते हैं अंदर। भाई सब क्या मौसम हो रहा है। अब जा रहे हैं हम अपने होटल पे, जिसका नाम क्या है भैया? नाम तो नहीं पूछा, बड़ी मुश्किल। चाची चाची होटल? चाचा नहीं है। नहीं चाचा नहीं है, नहीं दूसरा है। अभी दिखाते हैं। यहाँ पे भाई ने हमें रेकमेंड कराया कि एसी बंद कर लो। ये इसके लिए एसी बंद करने को बोल रहा है? हाँ। तो पागल है क्या? ये तो ऐसी चढ़ जाती है, ये इसके लिए बोल रहा है ना? यार। अरे चढ़ जाती है पर दिक्कत नहीं होती। होटल ग्रेट इंडिया। Okay, होटल ग्रेट इंडिया है भाई, पर गूगल कर लो सारे। ढलान तकड़ी है, ये देखो व्हील स्पिन मारा गाड़ी ने, पर चढ़ गई। देखा व्हील स्पिन? गुजराती भरे पड़े भाई आज, गुजराती करा रखी है पूरी आज। देखा भाई कुछ नहीं, ये फायदा होता है ब्रेजा का, बहुत अच्छे गुजराती। चलो तो भाई ये है होटल इंडिया, होटल ग्रेट इंडिया रिजॉर्ट। ये अपनी गाड़ी खड़ी है, फॉर्चुनर खड़ी है, और आपने स्टीप देखा खतरनाक, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, बड़ा प्यारा व्यू है, और बहुत बहुत ही बढ़िया वाली हवा चल रही है, मजा आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आए ना हम, जिस स्टीप से आए। भाई साहब पहली बार मेरी गाड़ी का व्हील स्पिन हुआ है, पहली बार यहाँ से। आपको कैमरे में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वीडियो में आपने देखा होगा भाई, खतरनाक क्या परफॉर्म करा है गाड़ी ने, एक नंबर परफॉर्मेंस है। पहले गियर में चार बंदों के साथ फुल भरी हुई गाड़ी, ब्रेजा ब्रेजा है भाई, ब्रेजा को तोड़नी है। क्या वो मतलब अंदर नहीं है, मतलब अंदर नहीं है, अंदर होटल में नहीं है, ये वो है जैसे कॉटेज। अरे वॉशरूम कहाँ है भाई? वॉशरूम ये नहीं है, देखो अच्छा तो हमने लिया तो वैसे होटल के लिए था, बट ये कॉटेज टाइप मिल गया हमें। लाइट ऑन करो, लाइट ऑन नहीं है, होटल पे दीजिए। ये बोट हाउस नहीं है, बोट हाउस लोकेशन है, घर में तो आप रहते ही हो, बोट हाउस तो उसकी तरह ही रहेगा। नहीं ऐसा ही है या फिर हम ही ऐसा दिया है? बाकी पूरा पैक है, दो रूम का। अच्छा यही बचा है, ये ऐसे, ये सबसे अच्छा डायलॉग है ये, कि और है ही नहीं। नहीं उन्होंने तारीफ भी तो करी इसकी कि आप घर में रहते हो नॉर्मली, ये वैसे वाला है कॉटेज टाइप। म्यूजिक चले, हाँ वैसा सा है भैया, लाइट तो ऑन करो। अच्छा सस्ते में क्यों मान लिए? सस्ते में क्यों मान लिया? 11,000 के हिसाब से 5,000, मतलब ये देखो अलग अलग कॉटेज है ना, एक ये बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है। यार अंदर तो ये वो है, सिटी है, घर भर है यहाँ पे। वाह यार, अरे क्या लग रहा है ये देखो, वो भी एक कैंटीन वगैरह भी है, खाने वाने का भी है। भाई कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, क्या व्यू है यार भाई, बादलों के अंदर। दारू पी सकते आराम से बैठ के, ये देखो अगर कोई पीता है तो भाई उसके लिए अच्छा है यहाँ पे। भाई पूरे बादलों में है, पीछे देखो, वहाँ देखो बस लाइट ऑन करा रहे हो, पर वर्थ है। माउंट आबू बिल्कुल डिफरेंट है, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये देखो भाई जो मजा आ रहा है ना, ये देखो, एक तो हमारा ना ऑफ बीट हो गया, बिल्कुल रोड से अलग हो गया। ये देखो जो हमारा रिसॉर्ट भी है ना, बिल्कुल रोड से अलग हो गया, इस साइड हो गया, इस तरफ वो देखो, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है। वही तो मैं दिखा रहा हूँ, ये कहाँ देखने को मिलता है आजकल, बादलों में कैसे रहते हैं लोग, आज पता चलेगा। लोग पब्लिक वहाँ छत पे चढ़ी हुई है, हमें तो छत पे चढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये देखो ऐसी कॉटेज ना यहाँ पे भी है, इस तरफ जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी, देखो जान निकल जाती है गाड़ियों की। ये देखो आवाज सुन लो भाई, जान निकल जाती है गाड़ियों की, ऐसी नहीं है। ये देखो कहाँ से आई है गाड़ी, ऐसी प्रेजा नहीं कहते, नंबर में ऐसी नहीं होती भाई।
चलती है कि भैया मानते हो कि नहीं, पावर तो है। चार तो लोगों को पूरी पैक्ड होके क्या चढ़िए हैं, पीछे पूरी डिग्गी भरी हुई है, कहीं नहीं रुकी। चलो यार चेक इन करते हैं फिर बात करते हैं। वो प्रॉपर बादल में नजर आ रहा है, वो बादल में ही है, वहीं से तो आ रही है। देखो ये ट्रैवल करके आ रहे हैं ना, बादल में नजर आएंगे लोग, बादल ही तो मूव कर रहे हैं हमारे ऊपर से। ये बीच में दो तीन ऐसी चीजें आ गई ना, बस बादल फट ना जाए वरना हमारी फट जाएगी। हाँ ये देखो वहां से पूरे, भाई क्या लोकेशन है भैया, मजेदार। जैकेट वैकेट मिलेगी आपको?